प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। झारखंड के बोकारो जिले के पिटरवार में एक दलित समुदाय की नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म की खबर आ रही है। इस घटना के बाद बोकारो शहर में जोरदार हंगामा हुआ। सड़क पर कुछ लोग पुलिस पर पथराव करते भी नजर आए। पुलिस को बल का भी प्रयोग करना पड़ा और लाठीचार्ज भी किया गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने रामगढ़ बोकारो मुख्य मार्ग को पिटरवार के समक्ष जाम कर दिया। उधर बेरमो SDO और SDPO पिटरवार चौक पहुंचकर मामले पर नजर बनाए हुए हैं। पीड़िता 11वीं की छात्रा बताई जाती है। उसे बेहोशी की हालत में सड़क किनारे छोड़कर दो युवक भाग रहे थे। भागने के दौरान स्थानीय लोगों ने दोनों युवकों को पकड़ा और स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया। छात्रा को पिटरवार अस्पताल से बोकारो सदर अस्पताल रेफर किया गया है। सदर अस्पताल पहुंचने के बाद छात्रा की मेडिकल जांच की गई। गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सदर अस्पताल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। उन्होंने पुलिस पर पूरे मामले को रफा दफा करने का आरोप लगाया। पीड़िता कल अपने घर से स्कूल ड्रेस पहनकर स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन वह स्कूल नहीं गई और अपने दोस्त के साथ कहीं घूमने चले गई। जब 2 बजे तक वह घर नहीं लौटी तो उसके पिता ने उसके दोस्तों के मोबाइल पर संपर्क किया। बार बार जल्द घर पहुंचने की बात कही गई, लेकिन जब छात्रा घर नहीं लौटी तो इसकी सूचना पिता ने थाने में दी। रात में छात्रा को बेहोशी की हालत में पिटरवार बाजार टाड़ सुमित स्टोर के बाहर दो युवक छोड़कर भाग रहे थे, तो परिजन और लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले को लेकर अब पूरे इलाके में बवाल मचा है।